91.2 एनआईवी एच हेलो दून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हेमा। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष आपके अपने कार्यक्रम को लेकर, जिसका नाम है दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से। इस कार्यक्रम में मेरे साथ है निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राउत जी, जो कि आज बताएंगे उन खास कवियों के बारे में जो कि दिव्यांग तो थे पर उनकी अपनी अंतः प्रेरणा दिव्यांग नहीं थी, और उसी अंतर प्रेरणा की आवाज उन्होंने सुनी और लिख डाले कुछ अहम ग्रंथ जो कि आज हमारे सामने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले सर का स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी तक आपने हमें कई महान दिव्यांगों के बारे में बड़े ही रोचक तरीके से बताया है, तो अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसे कवि भी हुए हैं जो कि किसी भी प्रकार की उनकी दिव्यांगता रही हो, फिर भी उन्होंने उस दिव्यांगता को परे हटाकर कुछ ऐसा कार्य किया हो जो हम सबके लिए प्रेरणादायी हो, तो उनके बारे में बताइएगा सर। बिल्कुल, दिव्यांग कवि तो कही रहे हैं आप, महाकवि कालिदास जी। बुद्धि उनकी कम थी ना, माँ सरस्वती ने 7 बार उनको जन्म दिया, तब बुद्धि थोड़ी बढ़ी उनकी, ना बुद्धि थोड़ी क्या, खूब बढ़ी उनकी जी। और इतनी कई ग्रंथ लिख डाले उन्होंने, कालिदास हुए। दूसरे अगर आप दक्षिण की तरफ जाएं तो ईराट अय्यर, ये दो भाई हुआ करते थे जी। एक तमिल में उनका मतलब है कि बड़ा सूरज और छोटा सूरज। जो बड़ा सूरज था वो पैरों से महताज था, मतलब कि उन ऑर्थोपेडिकली सूरज सर इसीलिए दिया हुआ ना, उन्होंने सन लिखा हुआ ना, तो वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। सन तो एसओ एन होता है, उन्होंने सन यानी सूरज को, सूरज को इंगित किया उन्होंने, तो सूरज को इंगित किया इन्होंने। और बड़ा सूर्य और छोटा सूर्य नाम रखा था। जो दृष्टि दिव्यांग था वो जो अस्तित्ववादी था या लोकोमोटर डिसेबल्ड था, बड़े भाई को कंधे पे रखता था और एक तारा लेकर ये निकल पड़ते थे। जैसे कि सन्यासियों की परंपरा है ना, एक जगह 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकते और साथ में आग नहीं रखते, तो ये बिल्कुल शिव भक्त हुआ करते थे। जगह जगह घूमते, बड़ा भाई कंधे के ऊपर बैठा हुआ पहले 2 पद बोलता और नीचे और छोटा भाई नीचे के बाकी के 2 पद बोलता। इस तरह से इन्होंने शिवजी के महिमा को लगभग तमिल भाषा में अच्छा खासा उद्धृत किया है। और कांचीपुरम चिदम्बरम ऐसे ऐसे मंदिरों में तो आज भी ये गाए जाते हैं बखूबी। तो इन दोनों भाइयों के विषय में तो खूब प्रचलन है तमिलनाडु में। उन्हें अंध कवि बोला जाता था क्योंकि वो देख नहीं पाते, और उनका पूरा नाम था वीर राघव मुदलीधरा। और उन्होंने शिवजी के महिमा में कई एक कविताएं लिखी और श्लोक लिखे जो कि आज भी गाई जाती हैं। वैसे कर्नाटका के हमारे कवि हुए विल्लो मंगट, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, जिन्होंने कि श्री कृष्ण करुणामृत लिखा और अच्छे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। और जो श्लोक आप प्रलय काल का कृष्ण का सुनते हैं, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवे शयंतम वटस्य पत्रस्य पुठे शयनम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि, यानी कि कृष्ण जो कि पुरुष हैं वो किसके ऊपर सोए हुए हैं, एक वट के पत्र के ऊपर, अशोक के पत्र के ऊपर। अगर आप जानते हो तो अशोक का जो पत्र होता है या जो पीपल का पत्र होता है उसे लक्ष्मी का सूचक माना जाता है, और कृष्ण जो कि पुरुष हैं उन्हें धारण किसने किया हुआ प्रलय के समय, माँ लक्ष्मी ने धारण किया हुआ है। और पूरा जो एक चक्र है सृष्टि और प्रलय का वो खत्म हो चुका है, इसलिए पैर के अंगूठे को उन्होंने मुंह के अंगूठे में डाला हुआ है। और बाल मुकुंदम, प्रलय के साथ साथ सृजन भी दिख रहा है। बाल मुकुंदम बिल्कुल छोटा मुकुंद है जो कि अब तैयार भी होगा, और इधर प्रलय भी दिखा। तो बड़ा बेहतरीन तरीके से विल्लू मंगल साहब ने जोड़ा है इन चीजों को। वो जन्मांध नहीं थे, लेकिन माँ पिंगला एक वैश्या हुई जिन्होंने निकारा था उनको, कह रहे इस अंग के पीछे पागल हो रहे हो, इसमें छुपी दिव्यता के बारे में अगर गाए होते थे तो कब का कृष्ण मुक्त कर दिए होते थे तुम्हें। तो इसे सुनकर उन्होंने उन्हीं का पहना हुआ हेयर क्लिप निकाला और आंखें फोड़ ली थी। तो कर्नाटका के कवि हुए उस तरह से, आंध्र प्रदेश की इस तरह से
कवि हुए जो कि अभी हाल फिलहाल के हुए, नाम था चिलकमात्री लक्ष्मी नरसिम्हन, जिन्हें कि हम ब्लाइंड पोएट ऑफ आंध्र प्रदेश भी बोलते हैं। 26 सितंबर 1867 को उनका जन्म हुआ था और 17 जून 1946 हमारे बीच से वो चले गए थे। काफी ही अच्छी कविताएं लिखा करते थे, रोमांटिक पोएट्री लिखा करते थे, आंध्र प्रदेश के हुए। तो इस तरह से आप अगर देखें तो दृष्टि दिव्यांग कई कवि हुए जिन्होंने लिखा। बाबा तुलसी को तो हम पढ़ते ही हैं, जिन्हें की मां रत्नावली ने एहसास दिलाया था कि अगर हाड़ मास मज्जा के इस शरीर के पीछे नहीं लगकर, अगर वो अक्षर राम के पीछे तुम अपना ध्यान दिए होते थे तो बात कुछ और हुई होती थी। और वहीं उल्टे पांव बाबा तुलसी वापस गए थे, तो ये तो हमें खूब पता है कि रामचरितमानस आज भी गाया सुना जाता है। तो इस तरह के कई कवि हुए जिन्होंने कि काफी काम किया है और क्षेत्र में।